हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो अ वेरी गुड फ्रेश एंड अ हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे मैं और अजित यहाँ पे आए ना, इतना मन खुश हो गया क्योंकि हरा भरा एनवायरनमेंट है, वही बर्ड्स की आवाज़ है। मुझे तो ना ऐसी वॉक्स बहुत ज्यादा पसंद है, बस प्रॉब्लम यही होती है कि मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आने का हमारा एक रीजन, वैसे सुबह सुबह बोलने से मतलब मेरा एक्चुअल सुबह 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 मॉर्निंग वॉक, बट आज हमने एक्चुअल सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है। हम आ गए थे 6:30 बजे के आसपास और हम उठ भी आज 6 बजे गए थे। एक्चुअली पिछले दिनों आपने देखा, अच्छा पिछले दिनों से मुझे याद आया हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए और ट्रेंडिंग पे। एक वीडियो में बोला था कि 50K लाइक्स कर दो और आपने 50K से ज्यादा ही कर दिया। मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि 50K भी कहां ही होगा, रजत एकदम होपफुल था कि नहीं हो जाएगी, मुझे पता था। और पिछले कुछ दिनों हम ना वर्कआउट नहीं कर पाए तो हमको आज ये था कि कुछ तो करना है, इसलिए हम मॉर्निंग वॉक पे आ गए। और ये मॉर्निंग की फ्रेशनेस इतना अच्छा लग रहा है ना, और जैसे सन की रेज पड़ रही है और ये पेड़ों के बीच में से जैसे सन दिखता है ना, मतलब हर चीज ना, पूरा ये सेटअप इतना बढ़िया है कि दिल खुश हो गया। एक बार वो देखो यार, कितना सुंदर है। आज इतना ज्यादा मन खुश हो रहा है, इतनी ज्यादा शांति हो रही है। वो पीस जो होता है ना एनवायरनमेंट में, बाहर जाना, सनराइज देखना, इट इज सो ब्लिसफुल। और आज मेरे मन में इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड है कि भगवान ने हमें ये लाइफ दी है। तो ये हमारा छोटा सा 3 किलोमीटर का हाइक था, मतलब हम घर से चल के आए थे और थोड़ा हमने हाइक किया और उतरे भी, बहुत ही मजा आया, अच्छा वर्कआउट हो गया। अब चलते हैं घर, कुछ खाते हैं बिकॉज भूख लग गई है। मुझे अब समझ आ रहा है, जो जल्दी उठते हैं ना, तो जैसे मतलब मेरे घर वालों को जल्दी उठने की आदत है, इसके घर वालों को जल्दी उठने की आदत है, तो हम थोड़ा लेट उठते हैं। घर वाले उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैं सोचता था इतनी जल्दी क्या ब्रेकफास्ट। अभी मुझे 7:30 बजे इतनी भूख लग गई, अभी घर चलते हैं और कुछ खाते हैं अच्छा सा। अभी मैंने सोचा है कि फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, बट उससे पहले मैं फ्रूट्स काट रही हूँ और सुबह के टाइम एप्पल से अच्छा फ्रूट तो कोई हो नहीं सकता है। नहीं नहीं, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, वो मुझे पता है। मैं वैसे तो मिक्स वेज पराठा बनाने वाली हूँ और मुझे ये था कि तुमको भूख ज्यादा है, तो इसलिए पहले मैंने। तो तुम फ्रेश नहीं? क्या मतलब फ्रेश नहीं, पूरा नहा धोकर रेडी हूँ मैं। हाँ, धो गई। तुमको देख के लग नहीं रहा सर। Oh, no! तुम एक तो रोज ही सेम जैसे दिखती हो ना, तो ऐसा लगता है कि वैसी हो ना। अरे भाई, लुक चेंज करने के लिए तो देखो मुझे सैलून जाना पड़ेगा और उसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा। इसका है तुमको इंतजार, मैं हूँ ना। मतलब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा ना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, बट हेयर स्टाइल चेंज करने से पहले मैं सोचा हूँ तुम्हारा हेयर कलर वैसे ही बहुत ही ऐसा हो गया, तो हेयर कलर चेंज करें। कब कैसे करूंगी मैम, मेरे पास टाइम नहीं पाले जाने का। आ जाओ बैठो। हाँ, अब बताओ कौन सा हेयर कलर करेंगे मैडम। ऐसे कैसे बता दूं कौन सा हेयर कलर करना है। वेट, आई हैव समथिंग वेरी कूल। Try this Garnier ka virtual try-on tool, where you can virtually try different colors and easily select your favorite. But tum hair color kaun sa use kar rahe ho? Of course, Garnier Color Naturals, jo tum hamesha use karte ho. Caramel Brown 5.32. It has a mix of avocado, almond and olive oil to keep your hair shiny and damage free. And you know what? Agar aapke dark hair hain, to bhi ye aapke baalon pe visible hoga. And the best part is that it lasts up to 10 weeks. Naina yaar, ye to pakad lo. Achha. Tumne mere ko bilkul hi professional samajh liya. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बस, बट ये लगाना बहुत इजी है भाई, पर एक पकड़ना मुश्किल है थोड़ा। मैं तभी एक क्लचर लेके आई थी ना, तुम हाफ वालों पे लगा लो फिर हाफ को टाई कर लेंगे। ठीक है बॉस, थोड़ा तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, थोड़ा मैं भी। और कुछ का कुछ तो हो ही जाएगा इसी तरह। यार मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है कलर देखने की। है तुमसे ज्यादा पहले लगा तो लो, इसके बाद मुझे तो पता कितने काम है। क्या काम है? तुम्हारा हेयर स्टाइल भी करना है। ओह हो, अच्छा अगर अच्छे से करोगे तो। यार अरे ढंग से लगाना, इसे अच्छा तो मैं खुद ही लगा लेती। Oh, no. एक तो मतलब मुफ्त की सर्विस करो भी है। इतना तेरे को ग्रूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से बोल जा रही है। इधर से लगा, इधर से लगा। मुझे ये खतरा है ना, तुम मेरे फेस पे ना लगा दो, बाकी तो अच्छा लगा रहे हो। लगाऊं? नहीं नहीं। ज्यादा बोली जा रही है। सारे में अच्छे से लगाया है ना, अभी तो लगा ही ना भाई। या तो मुझे ये ऑफर देनी नहीं थी, अब जब दी है तो मैं तो अच्छे से फायदा उठाऊंगी। पता नहीं कंघी भी किसके हाथ। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट सर्विस क्या है? नेक्स्ट सर्विस कुछ नहीं है, जो तुम्हारा हाल है ना वैसे एक ही सर्विस काफी है। नहीं नहीं, मैंने सोचा है तुम्हारे थोड़ा मैनिक्योर कर दूंगा और हेयर स्टाइल मुझे करने का बहुत मन है। Okay. जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसा वाला, जैसे तुम कॉलेज में नहीं करती थी वैसा करना। आगे आगे ही लगाओगे सारा, पीछे भी तो लगाओ थोड़ा। तू चुप कर यार। लो कलर तो पूरा लग गया, अब तुमको 30 मिनट वेट करना है। Yes, you have to wait for just 30 minutes to see the transformation which lasts up to 10 weeks. सब तक क्या नई सर्विस मिल रही है मुझे।
कलर लगा दिया बस अब नहीं वैसे मैंने सोचा था तुम्हारा मैनीक्योर करूंगा जैसा बोलोगी वैसा चलेगा। थैंक यू। अब बाजू भी दबा दो थोड़ी सी। वैसे सच कहूं तो पैरों में भी दर्द हो रही है आज वॉक करके। तुमने वॉकिंग छोड़ दो। ठीक से बैठो वैसे तो सीधे से। हाँ फिर बोलोगी ढंग से नहीं दबाया। ऐसे करो जैसे वो करते हैं। नहीं 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 पहलवान। अच्छा चलो अब इतना तुमने कर लिया तुमको ब्रेकफास्ट देती हूँ जल्दी आ जाओ। चलो मुझे भूख लगी है। नैना ये सब के लिए टाइम नहीं है। आधा घंटा हो गया जल्दी जाओ 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 रेडी होकर आओ। ओके अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। वाह अच्छा बहुत ही बढ़िया लग रहा है पर अभी पता नहीं लग रहा। चलो मैं तुम्हारे बढ़िया स्टाइलिंग करता हूँ। शीशा देखा नहीं वैसे। पर कलर अच्छा तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। सुखा के देखते हैं। एक्चुअली सूखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा हुआ कि ये मैं उतना पता नहीं चलता है। चलो चलो टॉवल डाल दूं। चलो ठीक है इस साइड को नहीं होता है किधर को होता है रुक के चलो ऐसे अंदर को नहीं तो मैं सही कर रहा था ना। तो लो जी मैं रेडी हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ मैं अब हुआ मेरा लुक चेंज। तुमने नहीं किया है क्रेडिट मुझे जाता है तुम खुद को क्यों ले रही हो। अच्छा फाइन मुझे थैंक्स बोलो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थैंक यू फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टर राजेश शर्मा आई रियली अप्रिशिएट दिस और मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद भी आया। आप लोगों को मेरा लुक पसंद आया नहीं आया और हेयर कलर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैंने इस प्रोडक्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। एंड यस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू सून।